92.7 Big FM पर Big Heroes. Big Heroes. अक्सर हम में से ज्यादातर पढ़े लिखे संपन्न घरों के लोग अपने अपने ड्राइंग रूम में बैठकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे देश में कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं. गरीबी है, असाक्षरता है, साफ सफाई नहीं है, लेकिन हम सिर्फ बातें ही करते रह जाते हैं, उन हालातों को सुधारने के लिए या उन्हें बदलने के लिए कुछ नहीं करते. नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज और मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध. और आज जो मेरा बिग हीरो है वो एक ऐसा शख्स है जो खुद बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास बहुत पैसे नहीं है और ना ही मदद के बहुत सारे जरिए हैं उसके पास. वो बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल की इमारत तक खड़ी नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा है जो हम लोगों के पास नहीं होता. गरीब बच्चों को पढ़ाने का सपना और उस सपने को पूरा करने का जज्बा. और उसी जज्बे के चलते राजेश कुमार शर्मा दिल्ली के शकरपुर में यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के पास मेट्रो ब्रिज के नीचे बैठकर बहुत सारे ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जिन बच्चों को स्कूल की शिक्षा तो दूर, दो वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता. और इसीलिए राजेश कुमार शर्मा आज है हमारे बिग हीरो. राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम बिग हीरोज में, और आप हैं हमारे आज के बिग हीरो. थैंक यू ऋचा जी, आपने बिग एफएम पे मेरे को बुलाया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ. नहीं नहीं, आभारी तो मुझे लगता है हम सब दिल्ली वालों को आपका होना चाहिए कि आप इतना नेक काम कर रहे हैं, एक मेट्रो ब्रिज के नीचे जाकर वहाँ बच्चों को पढ़ाना. राजेश जी, मुझे बताइए कि इस काम की शुरुआत कब और कैसे हुई? ऐसा है कि हमने कभी भी स्कूल चलाने की हमारे दिमाग में कभी ऐसी योजना नहीं थी. ये तो सन 2005 में जो है उधर मेट्रो बना था, तो उस समय हम जो मेट्रो को खाली देखने के लिए गए थे, तो वहाँ पर गरीब स्तर के बच्चे काफ़ी जो का नाम है वहाँ पर देखे, जो मट्टी धूर वगैरह में खेल रहे थे बुरे हालात में. तो स्वयं अपने दिल में ऐसा लगा कि इन बच्चों से बात करें, तो उनसे बात भी किया, उनके माँ बाप से बात किया, और उसके बाद में हमने सोचा कि अगर इनको 10-50 रुपए की अगर हम हेल्प करते हैं तो वो कोई माने इनके लिए नहीं रहेगी. आज देंगे कल जो खा पी के ख़त्म कर देंगे, और बाकी और कोई ऐसी चीज़ इनको दी जाए जिससे कि इनका जो है जीवन संवर सके. तो हमारा मोटिवेल जो है एजुकेशन की तरफ गया, और एजुकेशन को लेकर के दिमाग में ये रहा कि एक बार अगर बच्चे को हम ये चीज़ दे देंगे तो इनसे कोई ले भी नहीं सकता इसको, और ये आगे अपने जीवन में उस चीज़ को जो है काम लाएंगे. तो उसी स्तर को लेकर के बच्चों से बोल दिया, बच्चों कल से हम आकर के आपको यहाँ पर जो है पढ़ाएंगे. तो एक पेड़ के नीचे बैठ करके इस शिक्षा की मिसाल को जो हमने जो जलाया था, आज वो मिसाल एक मिसाल बन गई है. कितनी बढ़िया बात कही है, शिक्षा की एक मशाल जलाई थी जो आज एक मिसाल बन गई है. मैंने पहले भी कहा था ना, हमें से बहुत सारे लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन काम दरअसल हमारे ऐसे बिग हीरोज करते हैं. राजेश कुमार जी ना कोई टीचर हैं, ना खुद बहुत पढ़े लिखे हैं. इनकी ज़िंदगी के बारे में और जानूंगी अब से कुछ ही देर में, ये क्या करते हैं और स्कूल को शुरू करने के बाद इनकी ज़िंदगी कैसे बदली. आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर हमारा एक खास शो बिग हीरोज. मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध. 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज. बिग हीरोज 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज. 2005 में दिल्ली में एक नई मेट्रो ट्रेन देखने गए एक शख्स का ध्यान मेट्रो के आसपास खेल रहे बच्चों पर गया. वो बच्चे जो गरीब थे, स्कूल नहीं जाते थे और यूं ही भटक रहे थे. और 2006 में उस शख्स ने उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और आज 9 साल बाद वो मेरे बिग हीरो हैं. नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज. मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध, और आज के मेरे बिग हीरो हैं राजेश कुमार शर्मा जी, जो कि शकरपुर में एक मेट्रो ब्रिज के नीचे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने का नेक काम करते हैं. राजेश जी, अब मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि आप अपने बारे में हम लोगों को बताएं, क्योंकि आप पेशे से टीचर नहीं हैं, आप क्या करते हैं? देखिए, पेशे से कोई भी अगर टीचर नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन काम ही उसको जो है आगे बढ़ा देता है. हमने बच्चों के साथ में मिलकर के काम किया तो हम जो टीचर बन गए. पढ़ाई लिखाई की बात रही पीछे से, हमने 12th क्लास पास किया था जब गाँव क्षेत्र में थे,
तो हमारे क्षेत्र से काफी दूर पर 50 किलोमीटर की दूरी पर जो है कॉलेज था। कॉलेज दूरी होने के कारण जो है पढ़ाई हमारी जो है संपन्न नहीं हो पाई उस जगह, तो ग्रेजुएशन नहीं हो पाया कंप्लीट नहीं हो पाया। तो फिर वो भी एक दिल में ऐसी चुभन थी कि हम जैसे लोग जो है अगर उनको रास्ता ना मिले तो वो भटक जाते हैं, जैसे कि इन बच्चों के साथ में हो रहा है। तो मेरे मन में ऐसा है कि गरीब स्तर के बच्चे हैं वो जो है इस चीज़ के मोहताज ना रहे, उनको कोई ना कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए। रही अपनी ज़िंदगी की बात, तो अपना छोटा सा बिजनेस टाइप का दुकान है, उससे जो है अपना घर का खर्चा चलता है, परिवार में दो लड़के एक लड़की है। मन को शांत करने के लिए तो आदमी सोचे तो बहुत कुछ हो सकता है, अन्यथा ये आकांक्षाएं जो का नाम है आदमी की कभी पूरी नहीं होती है। एक रुपया कमाएगा दो की आशा करेगा, दो करेगा दस का, हजार हो जाएगा दस लाख की करेगा। सबसे बड़ी है संतुष्टि, जो ऊपर वाले ने दिया उसी में संतुष्ट हो जाओ आप, आराम से सारे काम संपन्न हो जाएंगे। जी इतनी अच्छी बात कही आपने संतुष्टि की, तो मतलब कभी आपको पिछले 9 साल में ये ख्याल नहीं आया या आपके परिवार ने आपको नहीं टोका कि जो तुम दिन के 4-5 घंटे इन बच्चों को पढ़ाने में देते हो वो अगर अपनी दुकान पर दो, अपने रोजगार पर दो, तो घर में ज्यादा पैसे आ सकते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले यही जवाब होता था जब मैंने काम शुरू किया था, तो वो लोग कहते हैं कि अपने घर को तो देखते नहीं दूसरों को सुधारने जा रहे हैं। तो मैंने कहा यही तो जीवन है, हम भूखे मर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन सामने वाले को भूखा नहीं मरने देना चाहिए, समझे। तो हमारे मन में विचार ये था, उनको समझाया भी। उसके बाद में जब वो ये मीडिया वगैरह में आया चला, तो अब लोगों को उनको भी संतुष्टि होती है कि हमारे घर से भी कोई बंदा ऐसा काम कर रहा है जो कि गना में सराहनीय है। तो आज वो उस काम के लिए अब नेगेटिव नहीं जाते, अब कहते हैं ठीक है आपके मन में करिए। नहीं नहीं बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं आप राजेश जी, और आप जैसे लोगों से ही मैं लगातार हर बार ये कहती हूँ कि हमारे पास सीखने के लिए इतना कुछ है, क्योंकि हम लोग सोचते रहते हैं, बातें तक कर लेते हैं, लेकिन घर से निकलकर अपना काम काज छोड़कर समाज की सेवा करें ऐसे बहुत कम लोग ही कर पाते हैं, और इसीलिए इनको हम बनाते हैं अपना बिग हीरो। राजेश कुमार जी से कुछ और बातें करूंगी, इनके स्कूल के बारे में, बच्चों के बारे में, आपसे बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर हमारे खास शो बिग हीरोज, मैं हूं रचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज, बिग हीरोज 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज। अगर आप दिल्ली के शकरपुर इलाके से गुजरें तो यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के पास एक ब्रिज के नीचे लगी क्लास पर ज़रूर गौर कीजिएगा। सुबह 9 से 11 आपको वहाँ लड़के पढ़ते दिखेंगे और दोपहर 2 से 4 के बीच आपको वहाँ लड़कियाँ पढ़ती दिखेंगी। और स्कूल की शुरुआत यकीन मानिए 2006 में सिर्फ 2 बच्चों के साथ हुई थी, और स्कूल को शुरू करने वाले राजेश कुमार शर्मा आज हैं हमारे बिग हीरो। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज, और मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। राजेश जी चलिए अब स्कूल की बात करते हैं। 2006 में आपने कहा कि आपने शुरू कर दिया और 2 ही बच्चों से शुरुआत हुई थी, कैसा रहा ये पिछले 9 साल का सफर? 2006 में मैंने जब चलाया था तो उस समय पे मेरे और बच्चों के बीच में केवल ऊपर वाला ही देखने वाला था, वहाँ पर किसी ने इस स्कूल को जो है मान्यता नहीं दी, केवल फील्ड एरिया में स्कूल चलता था। 2010 में मैं मेट्रो के नीचे फ्लाईओवर के नीचे यहाँ पर आया, तो यहाँ पर मैंने देखा कि अगर हम इस फ्लाईओवर के नीचे बैठ करके बच्चों को पढ़ाएंगे तो बारिश से बच्चे हमारे बच सकते हैं, धूप से बच्चे बच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसी बिल्डिंग वगैरह कोई चीज़ ऐसी नहीं है, लेकिन वो स्कूल का माहौल बना दिया उसको। धीरे धीरे करके आज 200 बच्चे उसी जगह पर पढ़ते हैं। और 2010 में जब मेट्रो पिलर के नीचे जो है स्कूल आया, तो मीडिया वालों ने इसका बहुत सहयोग किया, इसमें उन्होंने इसका नाम दिया चलते फिरते मास्टर साहब, पुल तले पाठशाला, खुले आसमान के नीचे। तो हमने सोचा क्यों ना इसे अंडर द ब्रिज स्कूल जो है नाम दे दिया जाए, तो इस स्कूल को जो है अंडर द ब्रिज स्कूल
नाम दे दिया गया। ये बात बताइए, कई बार लोग ये कह देते हैं कि ये बच्चे तो खुद पढ़ना ही नहीं चाहते, आपका अपना एक्सपीरियंस इन बच्चों के साथ कैसा? देखिए, बच्चों का तो अनुभव ऐसा होता है कि उनको खेलने के लिए चाहिए जी। हम भी बच्चे थे तो हम भी क्या नाम है इस तरीके से हरकत करते थे स्कूल में। माँ बाप कह देते कि जाओ, जिस समय पर समझदार नहीं थे उस समय की बता रहे, तो पढ़ने के लिए जाते तो रास्ते में से ही लौट के चले आना, ये करना, तो उनके साथ में लगना पड़ता है। माँ बाप को भी लगना पड़ेगा, प्लस जो है बच्चों के जो शिक्षा दे रहा है उसको भी लगना पड़ेगा, तब जो बच्चे कामयाब होते हैं। बट अब बच्चे अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं जब आप पढ़ाने जाते हैं? ऐसा है कि अपने मुँह से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए इस सब किसी दिन स्कूल पे आओ टूटे फूटे पर, वहाँ पर देखो कितनी लगन से बच्चे पढ़ते हैं, आपको ही मालूम पड़ जाएगा कि देखिए ना इनको मास्टर बुलाने के लिए जाते हैं फिर भी ये बच्चे आकर के अपने टाइम से बैठते हैं और टाइम से पढ़ रहे हैं, शुरू कर देते हैं और टाइम से छुट्टी करके चले जाते हैं। आपको लगता है किस तरह से उन बच्चों की जिंदगी बदली है, कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? ठीक है, जो हमारे पास में था हमने उनको दिया और उन लोगों को रास्ता भटक रहे थे वो रास्ता दिखाया। स्टार्टिंग के बच्चे जो 2006 में मेरे साथ जुड़े थे वो 11th क्लास पास कर चुके हैं, अरे वाह, 10th क्लास पास कर चुके हैं और धीरे धीरे एक क्रम जो है आगे बढ़ता चला जा रहा है, हर साल जो बच्चे पढ़ते जा रहे हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मैं अपनी कामना यही करता हूँ कि जो भी बच्चे हैं, यानी कि झुग्गी झोंपड़ी के जितने बच्चे हैं, हर बच्चे के घर में प्रकाश देखना चाहता हूँ। एक प्रकाश यानी कि एक बच्चा भी घर में पड़ जाएगा तो पूरे घर को जो है बदल देगा। बिल्कुल, और शिक्षा का दिया ऐसा ही होता है कि एक दिए से दूसरा जलता है, तो और आपने पहले भी कहा था एक मशाल आपने जलाई है। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन काम किया है राजेश कुमार शर्मा जी ने, लेकिन इस रास्ते में कई अच्छे लोग भी इनसे जुड़े हैं जिन्होंने इनकी मदद की है और बहुत सारी मदद की इन्हें अभी भी ज़रूरत है। दोनों बातों के बारे में बात करूंगी आपसे बस कुछ ही देर में। और सच बोलूं, आज दिल से यही दुआ निकल रही है कि काश मनीष सिसोदिया जी हमारा ये शो सुन रहे हो, कहीं से सरकार की तरफ से कोई मदद आनी चाहिए राजेश कुमार शर्मा जी के लिए। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर हमारा खास शो बिग हीरोज, में हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज, बिग हीरोज 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज, बिग हीरोज 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज के मेरे बिग हीरो हैं राजेश कुमार शर्मा। 2006 में दो बच्चों के साथ यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के पास मेट्रो पिलर के नीचे एक स्कूल की शुरुआत की थी इन्होंने और बड़ी खूबसूरती से ये कहते हैं कि शिक्षा की एक मशाल इन्होंने जलाई थी जो आज एक मिसाल बन गई है। राजेश कुमार शर्मा आज है मेरे बिग हीरो। राजेश जी, ये बताइए कि 9 साल से आप ये स्कूल चला रहे हैं, बहुत सारे अच्छे लोग आपके इस नेक काम से जुड़े भी होंगे? जी, काफ़ी लोग इसमें जुड़े हैं और काफ़ी लोग जो इसमें हेल्प कर रहे हैं, जैसे बच्चों के लिए किताब कापी वगैरह की है, ड्रेस वगैरह भी है, ऐसी चीज़ें, तो जिनको लगता है कि इनके साथ जुड़ करके हम गलत जगह पर भी अपना जो पैसा यूज करते थे वो ना करके हम इन बच्चों के साथ में करें तो उनको भी अच्छा लगता है जी। और हमको तो अच्छा लगता है क्योंकि हमारे बच्चे जो है एकदम ड्रेस वगैरह में उसमें आ जाते हैं। टीचर्स भी मिलते हैं आपको जो आपके स्कूल में पढ़ाने आते हैं? हाँ, 2011 में मेरे को लक्ष्मी चंद्र जी मिले, वो भी बेचारे घूमने के लिए आए थे देखने के लिए, तो वो हमारे साथ में जुड़ गए उस समय से। और एक दो साल से और भी श्याम महतो नाम करके मास्टर हैं, वो भी चल रहे हैं और आए दिन तो काफी लोग जो है आते रहते हैं इस तरीके से। किस तरह की मदद की आपको अभी और जरूरत है? अभी मदद के लिए ऐसा बैठने उठने के लिए बच्चों के लिए जगह भी नहीं है वहाँ पर, जो है साफ सुथरी भी नहीं है। गवर्नमेंट देख तो रही है लेकिन पता नहीं उन लोगों को हमारे पास में आने में क्या शर्म लग रही है कि आकर के बोले कि भाई ठीक है हम थोड़ा बहुत सहयोग कर रहे हैं। जैसे अभी आपने सिसोदिया जी का नाम लिया, उनका जो है बजट 1.5 गुना शिक्षा का बढ़ाया है, कहाँ पर बढ़ाया है, ऐसी जगह पे भी तो उनको जा करके देखना चाहिए कि ये लोग भी तो किसी तरीके से मदद कर रहे हैं उन लोगों की जी। तो ये बताइए कि अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना हो, कोई आपकी मदद के लिए आगे आना चाहते हो हमारे 92.7 बिग एफएम के लिसनर्स, तो आपसे कैसे संपर्क करें? 9873445513 9873445513, ठीक है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये स्कूल संडे को छोड़ करके हर दिन लगता है जी। कोई ईमेल आईडी भी है आपका? ईमेल आईडी है मेरी राजेश कुमार शर्मा मेट्रो @gmail.com।
राजेश कुमार शर्मा मेट्रो @gmail.com हमारी कल्पना है कि सामने अगर हो सके तो जगह मिल जाए तो एक स्कूल का रूप दिया जाए, गवर्नमेंट अगर चाहती है तो। बाकी जिंदगी चल रही है, आगे देखा जाएगा जो भी होगा वो। नहीं नहीं, हम उम्मीद यही करेंगे कि आगे जो हो अच्छा ही हो। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए, अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। धन्यवाद आपका। अगर आप लोगों के आसपास भी कोई बिग हीरो है तो उसकी कहानी मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरा ईमेल आईडी है bigheroes@927bigfm.com और हमारे सारे बिग हीरोज़ की कहानियाँ आप YouTube के 92.7 बिग FM पेज पर जाकर सुन भी सकते हैं। आज रिचानुद को इजाज़त दीजिए, अगले शनिवार सुबह 9 बजे एक और बिग हीरो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर। 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज़।